ठाट से इस वर्ष भी निकली तुलसी पूजन यात्रा। भगवा में हुआ उन्नाव शहर। विमल द्विवेदी ने दी अटल जी व मदन मोहन मालवीय जी सहित अयोध्या में बलिदान हुए हजारों कार सेवकों को दी श्रद्धांजलि। 25 दिसंबर को हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा द्वारा पिछले वर्षों की भांति ही संस्थापक विमल द्विवेदी की अगुवाई में भव्य तुलसी पूजन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पूज्य संतों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक व संस्थापक विमल द्विवेदी ने प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन कर आरती किया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर का मॉडल व 15 फीट ऊंची श्री राम मूर्ति आकर्षण का केंद्र रही पूरा शहर भगवा ध्वक्षों से मंच के कार्यकर्ताओं ने पाट दिया। यात्रा में दर्जन भर दंडी सन्यासी विमल द्विवेदी के साथ चल रहे थे। खाटू श्याम जी सहित सैकड़ों भव्य झांकियों ने यात्रा को पूरी भव्यता प्रदान की। जय श्री राम हर हर महादेव के जय घोषों के साथ ही यात्रा का नेतृत्व सुसज्जित घोड़ों का दल व आर्मी बैंड आगे दो कर रहे थे। इस दौरान आमजन मानस में 5100 तुलसी के पौधों का निशुल्क वितरण करने का उपक्रम पिछले एक माह से जारी है, जो रामलीला मैदान से लेकर आज यात्रा मार्ग में भी हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया। लोगों ने रुक रुक कर तुलसी के पौधे प्राप्त किए। कार्यकर्ता पिछले एक माह से जनसंपर्क के साथ तुलसी के पौधे देकर यात्रा में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। आर सोनी न्यूज के लिए उन्नाव से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। ज्ञात हो दोनों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी व मदन मोहन मालवीय जिनका जन्मदिन भी आंगल तिथि अनुसार 25 दिसंबर होता है, उनके साथ अयोध्या आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि विमल द्विवेदी ने दी। यात्रा शहर के रामलीला मैदान से शुरू होकर आवास विकास के वृंदावन गार्डन तक गई। वहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। इस दौरान मंच के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया, सनातन धर्म में तुलसी एक पूज्य एवं बेहद गुणकारी पौधा है। कोरोना काल में लाखों लोगों का जीवन तुलसी के काढ़े से बचा है, तो लोगों को अपसंस्कृति के प्लास्टिक के पौधे घर में सजाने के बजाय तुलसी जैसे गुणकारी पौधों को हर घर में लगाना चाहिए। भारतीय संस्कृति एक जीवंत संस्कृति है जो लाखों करोड़ों वर्षों से अपनी निरंतरता बनाए हुए है, जिसका कारण उसका वैज्ञानिक पक्ष है। ईसाई मिशनरियों के छल फरेब का प्रतिकार आवश्यक है, अन्यथा ये घुन की तरह समाज को खा रहे हैं। मिशनरियां धर्मांतरण का गंदा खेल आज भी जारी रखे हैं। आज भी रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन भारत में वक्फ बोर्ड और कैथोलिक चर्चों के पास है। उन्होंने हाल ही में धर्मांतरण पर कड़ा कानून केंद्र सरकार से बनाने की अपील की। वह वक्फ बोर्ड कैथोलिक चर्चों जैसे फ्रॉड संस्थाओं को बैन कर जमीनें वापस लेने की मांग की, ताकि हिंदू संस्कृति को बचाया जा सके। इस दौरान मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, विकास सिंह सेंगर, मनीष अवस्थी, विष्णु गुप्ता, आचार्य कमलेश वाजपेयी गायत्री परिवार, धर्मेंद्र शुक्ला, अभिषेक तिवारी, आलोक शुक्ला, मनीष मिश्रा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश क्या है, किस तरह की निकाली, किस तरह की आपने तैयारी की, क्या है पूरा मामला? जनपद वासियों सहित मैं पूरे देश वासियों को तुलसी पूजन दिवस जटन ऊपर करो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जटन ऊपर करो, आज से 7 वर्ष पहले जटन ऊपर करो। अभिभावकों व बच्चों से जो हम सबको एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि लगातार दिवस मनाने के लिए दबाव बनाया जाता है, हमारे कलावा व चंदन मिटा दिया जाता है, चोटी रखने से ऐतराज किया जाता है, इसको लेकर हिंदू जागरण मंच एवं नर सेवा नारायण सेवा ने एक संकल्प लिया कि इस दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। और आप सब देख रहे हैं कि 7वां वर्ष है और आज पूरा देश क्रिसमस डे नहीं तुलसी पूजन दिवस की बधाई दे रहा है। ये हिंदुओं की जीत है, गौरवान्वित हैं हम सब लोग। सनातनी हिंदू जाग चुका है और किसी भी तरह का जो एजेंडा ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जाता है धर्मांतरण का, वो कुचक्र बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हम सब केंद्र सरकार से भी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इसमें एक बड़ा कानून बनाकर ऐसे जो सिर्फ सेवा की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रचते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सनातनी हिंदुओं से सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्रिसमस डे नहीं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस में जाना जाना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को तुलसी पूजन दिवस के लिए प्रेरित करें। इसको लेकर जिस तरह से आप समझ रहे 101 तुलसी के पौधों से ये यात्रा शुरू हुई थी, आज 51,000 तुलसी के पौधे निःशुल्क हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सैकड़ों काफियां महापुरुषों के साथ सम्मिलित हैं और ये 2023 की यात्रा
द्वारा राम लला को समर्पित है और जिस तरह से भव्य राम मंदिर और प्रभु श्री राम की भव्य झांकी भी इस यात्रा में सम्मिलित है, मैं पूरे देशवासियों को, सभी सनातनी हिंदुओं को इस बात की बधाई देता हूँ कि आगामी 22 जनवरी को हमारे सरकार विराजमान होने वाले हैं। जो 492 वर्षों तक हम सब ने जो संघर्ष किया था, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया था, जिन लोगों ने कार सेवा के दौरान अपना बलिदान दिया है, उनकी भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम सब ने समस्त हिंदू समाज की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिवस है, उनको भी हम नमन करते हैं, उनके भी श्रद्धांजलि और उनके उसका भी कार्यक्रम वृंदावन गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः समस्त देशवासियों को